PCI हमारे सवालों का जवाब दें। 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है। पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े 4th या 5th 6th राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्यों ना, ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े 4th या 5th 6th राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5,200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर, किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी 6th या 7th राउंड पर ही रुके हुए हैं, चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग के उस पर, रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते।